नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिनभर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जातीय गणना पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। G20 शिखर सम्मेलन में सीएम नीतीश को मिला निमंत्रण। सीएम नीतीश पितृपक्ष मेला का लेंगे जायजा। चुनावी तैयारी को लेकर जदयू की होगी 11-12 सितंबर को बैठक। इंडिया विवाद पर ललन सिंह ने क्यों कहा डर गए पीएम। सम्राट चौधरी क्यों बोले ललन सिंह का नाम हमने थोड़ी बदला है। दीपांकर ने ठोका दावा, सीट शेयरिंग का प्रस्ताव RJD को भेजा। पंचायत समिति सदस्य के पति की हत्या, डेंगू के डंक से बचाने के लिए अस्पतालों ने कसा कमर। बिहार में टला बड़ा रेल हादसा, यात्रियों की बची जान। अब खबरें विस्तार से। बिहार की जातीय गणना मामले पर आज सुनवाई टली। अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार ने सुनवाई टालने की मांग की थी, इसको सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। वही पक्षकार की दलील को खारिज करते हुए अगली सुनवाई के लिए 3 अक्टूबर तारीख दी गई है। पक्षकार ने दलील दी थी कि इसे नहीं टाला जाए। पटना हाई कोर्ट के विरोध में पहुंचे पक्षकार ने सुप्रीम कोर्ट से तारीख टालने से मना कर दिया था। वही बिहार सरकार की ओर से एक लेटर दिया गया था, इसमें कहा गया था कि हमारे वकील बिजी हैं, कुछ समस्या की वजह से आज दलील नहीं रख सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की मांग को मानते हुए अगली तारीख तय कर दी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को G20 शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति की ओर से 9 सितंबर के रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया गया। इस भोज में भारत की ओर से सभी केंद्रीय मंत्री और विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया। इसी क्रम में सीएम नीतीश कुमार को भी राष्ट्रपति की ओर से निमंत्रण पत्र भेजा गया। संयोग से देश के नाम बदलने को लेकर इंडिया बनाम भारत के विवाद के बीच राष्ट्रपति की ओर से सीएम नीतीश कुमार को रात्रि भोज के लिए बुलाया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राष्ट्रपति भवन की ओर से ये आमंत्रण पत्र भेजा गया, जिसमें रात्रि भोज में शामिल होने का आग्रह किया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से सीएम के रात्रि भोजन में शामिल होने को लेकर कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। ऐसे में अब यह संशय बना हुआ है कि सीएम नीतीश कुमार जाएंगे या नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पितृपक्ष मेला का शुभारंभ करेंगे। इससे पहले जायजा लेने के लिए गया और बोधगया जाएंगे। 8 सितंबर को पितृपक्ष मेले की तैयारियों का जायजा लेने के साथ ही महाबोधि टेंपल के पूजा अर्चना में भी जुटेंगे, वहां पूजा अर्चना करेंगे। इसके अलावा गया जी धाम निर्माण के लिए अधिकारियों से मीटिंग भी करेंगे। एक अन्य मार्ग में सीएम नीतीश कुमार ने अपने नजदीकी मंत्री के साथ इसको लेकर बैठक की है। इस दौरान मंत्री संजय झा, मंत्री विजय चौधरी के अलावा सीएम सचिवालय के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। पितृपक्ष मेले की शुरुआत 28 सितंबर से हो रही है, यह 14 अक्टूबर तक चलेगी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जदयू सक्रिय हो गई है। इसके लिए जदयू ने बड़ी बैठक बुलाई है। यह बैठक 11-12 सितंबर को सीएम हाउस में होगी। इसमें सभी जिलों के अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष और विधानसभा प्रभारी शामिल होंगे। बैठक में सीट शेयरिंग पर कार्यकर्ताओं से राय जानी जाएगी। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बताया कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक बुलाई गई है। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से मिलते रहते हैं। बता दें कि इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक 30 सितंबर को दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर होनी है और इस बैठक में सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी। लेकिन इस बैठक से पहले ही सभी राज्य जो है सीट शेयरिंग पर अपना प्रस्ताव रखेंगे। देश में इंडिया और भारत नाम को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इसको लेकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। कहा कि अरे ये लोग घबराए हैं, इंडिया शब्द से इन लोगों का घबराहट साफ दिख रहा है। ये लोग साफ हताशा में नजर आ रहे हैं, इसीलिए नाम बदलेंगे और नाम बदलने से क्या होगा। इस देश की जनता में उनके खिलाफ अविश्वास है, उसको कहां से मिटाएंगे। कहा केंद्र सरकार को जितना ड्रामा करना है करने दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये लोग इतिहास तो सारा बदल ही रहे हैं, ये लोग अपने नाम का इतिहास करना चाहते हैं। देश में इंडिया और भारत नाम को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है, जहां इसको लेकर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह पर हमला बोला है। तो वहीं अब इसको लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि देश का नाम शुरुआत से ही भारत रहा है।
राजडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी कई बार कह चुके हैं हम भारत के रहने वाले हैं, लेकिन अब तो लालू जी नीतीश कुमार के साथ हैं तो आजकल उनको भी पलटी मारने की आदत हो गई है। वहीं ललन सिंह के बयान पर सम्राट चौधरी ने कहा कि हमने ललन जी का नाम कहां बदला है, हमने नीतीश जी का नाम नहीं बदला, बल्कि उनके बड़े भाई ने कहा कि एक पलटू कुमार है तो हम लोगों ने पलटू कुमार कहना शुरू कर दिया। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सीटों पर बात हो रही है। बिहार में माले ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को अपनी सीटों की दावेदारी से जुड़ा पत्र सौंप दिया है। कितनी सीटों पर दावेदारी है इसका खुलासा माले नेताओं ने किया है, लेकिन जानकारी यही है कि 5 से अधिक सीटों पर माले की दावेदारी है। चुनाव का समय नजदीक आने के बाद माले भी अब अपनी ग्राउंड स्थिति देखते हुए सीटों की मांग कर रही है। इससे पहले माले 10 से अधिक सीटों पर अपनी अधिक ताकत की बात कह रही थी। मुंबई में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर माले ने कहा कि बात हुई है, जल्दी अपने अपने राज्यों में सीटों पर बात करेंगे और चुनाव की तैयारी में जुटे। हम लोगों ने लालू प्रसाद यादव को पत्र देकर अपनी सीटों की बात उन्हें बता दी है। बिहार में डेंगू का प्रकोप जारी है, मरीजों का आंकड़ा 325 पहुंच गया है। डेंगू के सबसे ज्यादा मामले पटना और भागलपुर से निकलकर सामने आए हैं। भागलपुर की बात करें तो भागलपुर में सबसे ज्यादा 119 मामले और वहीं पटना की बात करें तो 113 मरीज मिले हैं। बाकी जिलों में भी डेंगू की मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। डेंगू की रोकथाम मरीजों के इलाज के मदद के लिए पूरे बिहार में 104 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। डेंगू के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। वहीं स्वास्थ्य समिति के अधिकारियों ने कहा कि डेंगू से बचाव के लिए राज्यभर में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही डेंगू मरीजों के लिए सभी राज्यों में बेड भी रिजर्व किए गए हैं। बिहार में अपराधी बेखौफ हो गए हैं। मोतिहारी के आदापुर थाना क्षेत्र का मामला है, जहां बुधवार की सुबह श्यामपुर नहर चौक के पास अज्ञात बाइक सवार 3 बदमाशों ने पंचायत समिति सदस्य के पति बच्चा पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी। गोली लगने के बाद घटना स्थल पर ही बच्चा पासवान की मौत हो गई। घटना को लेकर कहा जा रहा है कि बच्चा पासवान हर दिन की तरह बुधवार की सुबह भी नहर रोड में मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार बदमाश पहुंचे और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों ने ज्यादा गोली सिर, छाती और पेट में मारी। आक्रोशित लोगों ने श्यामपुर नहर चौक के पास आगजनी कर रोड जाम कर दिया। बिहार में बड़ा ट्रेन हादसा होते होते टल गया, जिससे सैकड़ों यात्रियों की जान बच गई। बता दें कि गया कोडरमा रेल सेक्शन पर गुड़पा स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक टूट गया था। शालीमार गोरखपुर एक्सप्रेस टूटे हुए ट्रैक पर गुजरने से बच गई। ट्रेन के आने से ठीक पहले ही रेलवे अधिकारियों की इसकी सूचना मिली, जिससे शालीमार एक्सप्रेस को पहले ही रोक दिया गया। अगर या ट्रेन टूटे हुए पटरी से गुजरती तो बड़ा हादसा हो सकता था। ट्रेन में सवार सैकड़ों यात्रियों की जान खतरे में आ जाती, लेकिन गया कोडरमा रेल रूट करीब 1 घंटे तक बाधित रहा और वहीं इसमें शामिल जितने पैच और वहीं यात्रियों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन मरम्मत करने के बाद ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।